और चलिए बात करेंगे छिंदवाड़ा की। आपको बता दें कि यहाँ पर एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने सबको हैरान कर दिया है। भ्रष्टाचार की भेंट चढ़े यहाँ पर। इस मामले को अगर आप सच्चाई से जानेंगे तो आप भी हैरान हो जाएंगे। आपको बता दें कि यहाँ पर जिंदा लोगों को मृत घोषित कर दिया गया, मृत्यु प्रमाण पत्र बनवा दिए गए और उनके नाम से एक मोटी रकम को हड़प लिया गया। हालांकि प्रशासनिक अधिकारियों तक जब इस पर मामले को उठाया गया, पहुंचाया गया, और जिन लोगों को यहाँ पर मृत घोषित किया गया, जिन लोगों को यहाँ पर मृत्यु प्रमाण पत्र बनाया गया, वो लोग भी सामने हैं। अब सवाल ये उठता है कि आखिरकार इतना बड़ा भ्रष्टाचार किस लिए किया गया, और जो आरोपी हैं अब उनके खिलाफ क्या कुछ कार्रवाई की जाएगी। देखिए इस पर हमारी खास रिपोर्ट। अरे मेरा मृत्यु प्रमाण पत्र है और मैं अभी जीवित हूँ। पैसा हमको दिए नहीं उनको, आज आएगा पैसा बोले नहीं आया, वो भी पैसा खा लिया। हमको मृत्यु प्रमाण पत्र चाहिए, हम तो मर गए ना। छिंदवाड़ा चौराहे के बोनाखैरी पंचायत में जिंदा लोगों को मृत बताकर लाखों का फर्जीवाड़ा करने का एक मामला सामने आया है। ग्राम पंचायत सचिव, रोजगार सहायक सहित अन्य के खिलाफ देर रात पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और सीओ जनपद की जांच प्रतिवेदन पर कलेक्टर ने पंचायत सचिव और साथ ही पंचायत समन्वय अधिकारी को निलंबित कर दिया गया। मामला सामने आने के बाद प्रभारी मंत्री कमल पटेल ने कलेक्टर सौरभ कुमार सुमन को पूरे जिले की पंचायतों की वेरिफिकेशन करने के भी आदेश जारी कर दिए हैं। वहीं दोषियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने के लिए पुलिस और साथ ही प्रशासनिक अधिकारियों को निर्देश जारी किया गया। होना खेड़ी छिंदवाड़ा में कोई मृत्यु प्रमाण पत्र फर्जी लोगों को बना दिया, 23 लोगों को, और वो जिंदे हैं और उनके सब निभाए हैं, तो इसकी पूरी निष्पक्ष जांच करिए तत्काल, और एफआईआर कराइए, और जो जो भी दोषी इसके अंदर जितने भी अधिकारी कर्मचारी हैं, और ये कब कब हुए और एक गांव के नहीं पूरे जिले में इसकी जांच कराइए। गौरतलब है कि ग्राम पंचायत बोनाखेड़ी में 23 लोगों के फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र बनाकर संबल योजना के तहत मिलने वाली 2 लाख की राशि और साथ ही अंत्येष्टि सहायता के 5,000 रुपए निकाल लिए गए, जबकि ग्रामीणों को खबर तक नहीं थी कि उनको कागजों में मारा जा चुका है। इसकी शिकायत के बाद देर शाम पुलिस ने आरोपी सचिव राकेश चंदेल और रोजगार सहायक संजय चोरे बोनाखेड़ी सहित अन्य के खिलाफ IPC की धारा में मामला दर्ज कर लिया है और कई संगीन धाराओं में मामला दर्ज कर लिया गया है। सर ये मेरा मृत्यु प्रमाण पत्र है और मैं अभी जीवित हूँ। ये सन 17/9/2019 को मेरी डेट बता रहा है मृत्यु प्रमाण पत्र, और मैं अभी जीवित हूँ। मैं अपने कृषि कार्य करता हूँ और क्या कहते मेरे खाते से 2 लाख रुपए खाते में चले गए हैं, वो संजय चोरे राकेश चंदेल इनका बता रहा है इसमें। आपके खाते में? जी मेरा खाता भी नहीं है वो बैंक में, उस खाते में जो इसमें गायब है पैसे। तो ये कल का पेपर में दिए कि ये मर गया, जगदीश प्रसाद मंचे से मर गया, और वो जब पेपर में देखे जब पता लगा कि हम मरे तो कैसे मरे, हम तो जिंदा खड़े, नल चलाते हैं ग्राम पंचायत बौना गहरी का। बस हम ये आए थे कि हमारा मृत्यु प्रमाण पत्र, हम मर गए हैं पेपर में, तो ये क्या कहते जनपद आए हैं कि हमको मृत्यु प्रमाण पत्र चाहिए, भाई हम तो मर गए ना। इस मामले में दोषी बोनाखेड़ी का ग्राम पंचायत सचिव राकेश चंदेल 15 अगस्त को उत्कृष्ट कार्य के लिए सम्मानित भी किया गया था। दोषी सचिव को आजाद सचिव संगठन का प्रदेश संयोजक भी बताया जाता है। अब आगे देखना होगा कि कार्रवाई सिर्फ यहीं तक सीमित रहती है या फिर इस अधिकारी के खिलाफ कोई कड़ी कार्रवाई की जाएगी। क्या जिन लोगों को यहाँ पर मृत घोषित किया गया उन पीड़ित लोगों को कोई इंसाफ मिल पाएगा, ये तो आने वाला कल ही बताएगा।